नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। एग्जैक्टली एक महीना हो गया है मुझे कैली ऑडियो LP6 V2 यूज करते हुए। आई थिंक दिसंबर 11 को मैंने ये अनबॉक्स किया था और आपको बताया था कि तकरीबन मैं एक महीने से यूज करने वाला हूं और फिर इसका रिव्यू दूंगा कि कैसे मुझे लगे। आज अप्रॉक्सीमेटली एक महीना 4 दिन हो गए हैं। कल मैं एक सॉन्ग भी अपलोड करूंगा, कल या परसों, जो इसके ऊपर ही मैंने बनाया, उससे आपको एक और आइडिया लग जाएगा। सो इसका रिव्यू मैं आपको पूरा डिटेल में देने वाला हूं और याद रखिए ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो एक महीना मुझे इसके साथ काम करते हुए हुए। तो चलिए देखते हैं कि मुझे एक महीने यूज करके क्या फील हुआ। बात करते हैं इसकी साउंड प्रोफाइल की। एकदम न्यूट्रल है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फ्लैट, जो ऑडियो डिलीवरी है वो भी एकदम कंसिस्टेंट है, हाई क्रिस्प है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कम वॉल्यूम पे भी, ज्यादा वॉल्यूम पे भी। मिड्स मुझे वेल राउंडेड लगे एकदम, और स्पेशली जो लोस तो मुझे बहुत अच्छे लगे, बॉम, डीप लो एंड। चलिए बैक साइड के ऊपर आ गए हैं, बात करते हैं इसकी ट्यूनिंग ऑप्शंस के ऊपर। अगर आप में से किसी के पास LP6 V2 है या सोच रहे हैं परचेज करने का, तो आपने देखा होगा बैक साइड के ऊपर ये काफी सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं। एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ब्लू कलर में आपको छोटे छोटे काफी सारे स्विच दिए गए हैं जो कि डिप स्विच हैं, जो कंट्रोल करते हैं मेरी बाउंड्री EQ, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रिम, लो फ्रीक्वेंसी ट्रिम, बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ। अगर आप यहाँ पर देखें, हमें यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका मॉनिटर स्टैंड के ऊपर है और 0.5 मीटर दीवार से दूर है तो आपको क्या सेटिंग करनी है। 1, 2, 3 यहाँ पर दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी ये दिए गए हैं, मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर देख के बस कर देना है कि ये 3 नीचे होने चाहिए। ठीक है, 3 नीचे होने चाहिए। अगर मैंने स्टैंड के ऊपर ही रखा है लेकिन 0.5 मीटर से कम है, यानी कि दीवार के काफी पास है, तो आपको इस तरह से 1 को ऊपर कर देना है, 2 और 3 नीचे रहेगा। अगर बिल्कुल ही दीवार के पास है तो आपको ये सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर हर तरह की सेटिंग दी गई है, आपने टेबल के ऊपर रखा है, दीवार से दूर है, दीवार के पास है, आपने स्पीकर को अपने टेबल से डिसएंगेज कर रखा है या डायरेक्ट टेबल के ऊपर रखा है, आपने किसी मॉनिटरिंग स्टैंड के ऊपर रखा है, दीवार से दूर है, दीवार से पास है, हर बार यहाँ पर अलग अलग सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं कि 1 नीचे होगा, 2 और 3 ऊपर होगा, 1 और 3 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पर टेबल पे रखा हुआ है लेकिन दीवार से थोड़ा पास है लेकिन बिल्कुल दीवार से सटा भी नहीं हुआ, राइट? तो कितनी सारी सेटिंग्स हैं, और डेफिनेटली मैंने काफी सेटिंग्स ये चेंज करके देखी हैं। जैसे मैंने टेबल के ऊपर ही फिलहाल रखे हुए हैं, मेरे आइसो अकूस्टिक जो स्टैंड है जो डिसएंगेज करते हैं, आपने वीडियो के शुरू में भी देखा होगा, लेकिन मैं धीरे धीरे अभी सेटअप चेंज कर रहा हूँ इस रूम का। काफी 2-3 इक्विपमेंट आ चुके हैं, मैं टेबल ऑर्डर कर दिया है, टेबल भी आने वाला है, स्टैंड भी ऑर्डर कर दिए, तो मैं देखूंगा कि किस तरह से मैं चेंज करने वाला हूँ। शायद थोड़े दिनों के अंदर ये स्टैंड पर आ जाएगा, फिर उस हिसाब से मैं देखूंगा कि कितनी दूरी है मेरी पीछे दीवार के हिसाब से, उस हिसाब से ये जो डिप स्विच है मैं चेंज कर दूंगा। अभी मैंने सब बिल्कुल नीचे कर दिए आपको, सो दैट आसानी से मैं समझा सकूं। यहीं से मैं ओवरऑल कंट्रोल कर लेता हूं कि लो फ्रीक्वेंसी ट्रिम मुझे क्या चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रिम मुझे किस तरह से चाहिए। आप देख सकते हैं 6 और 7 स्विच के साथ या 4 और 5 स्विच के साथ मुझे किस तरह से अप या डाउन खेलना है। और अगर आप अनबैलेंस्ड जा रहे हैं, RCA जा रहे हैं, जो कि -10 dB भी होता है, DBV DBU+4, ये क्या है बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, आप जाकर मेरा लेक्चर देख सकते हैं बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ऑडियो, जो कैली की सीरीज के अंदर ही आपको मिल जाएगा, पिछला लेक्चर ही था, राइट? तो वहां भी आप इसको ऑन या ऑफ कर रहे हैं RCA, तो आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी तो आपको मालूम ही है कि मेरा वॉल्यूम का नॉब है, यहां पर हम कनेक्शन कर सकते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, और यहां पर मेरा पावर स्विच है। बात करते हैं हम फाइनल वर्डिक्ट की। अगर हम बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, हम बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की, मैं इसको बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स देना चाहूंगा फॉर श्योर। और इसी रेंज में अगर दूसरे स्पीकर्स की बात करें, चाहे KR के इस रेंज में आ रहे हैं, चाहे Yamaha इस रेंज में आ रहे हैं, मैंने खुद बहुत साल KR के यूज भी किए हैं, थोड़े बेस हैवी होते हैं, बूमी होते हैं, और अगर हम KR की Yamaha की तरफ जाएं तो थोड़े ब्राइट होते हैं। लेकिन अगर आप एक वेल बैलेंस्ड सीरियस रेफरेंस मॉनिटर्स की बात करें, फ्लैट रिस्पांस की बात करें, कम डिस्टॉर्शन की बात करें, ओवरऑल टोन बैलेंस की बात करें, तो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूंगा LP6 V2। हम अगर परफॉर्मेंस इज टू प्राइस रेशो की बात करें, एक्सीलेंट है अपनी रेंज के अंदर। वूफर का साइज बहुत जबरदस्त है, आपके रूम में परफेक्ट बेस आएगी, मिड्स बहुत अच्छी हैं, हाइज डेफिनेटली बहुत अच्छी हैं, वॉल्यूम जब मैं बहुत लाउड कर देता हूं या कम रखता हूं, मुझे कोई डिस्टॉर्शन वाली वाइब नहीं आई है, बहुत ही क्लीन साउंड आई है। और इसके ऊपर जो मैंने सॉन्ग बनाया है, कल या परसों जब मुझे समय मिलेगा मैं अपलोड कर दूंगा। मिलते किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट। नमस्ते।